नमस्कार दिन तेजस नेटवर्क पर बात करेंगे कुछ डीएम वगैरह आ रहे थे तो एक केवल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दूंगा क्योंकि इस स्टॉक के विषय ना मैं ना एक अपडेट आ रहा था लाइव मार्केट में आ रहा था कि वोडा आइडिया के साथ कुछ तो इनकी न्यूज़ आई है मैं न्यूज़ ही ट्रैक कर रहा था लाइव मार्केट में न्यूज़ आई देखी तेजस नेटवर्क को लेकर कि वोडा आइडिया टू रिसीव हेल्प फ्रॉम तेजस नेटवर्क पूरी न्यूज़ को अगर एक बार पढ़ने समझने की अगर मैं कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो वोडाफोन के सी हैं जगबीर सिंह जी वे बोल रहे हैं कि पैन इंडिया 4G और 5G के रोल आउट को लेकर बड़ा अपग्रे हमको अपग्रेड करना आवश्यक हो गया है खासकर जो बैक हॉल नेटवर्क है ये स्केलेबल करना या फ्यूचर रेडी हो सके इसकी एफिशिएंसी बढ़ सके तो उसके लिए हमको एक पार्टनर की तलाश है और इसके लिए वो तेजस के साथ कॉलो करार कर रहे हैं वहीं तेजस के जो सी और एम हैं आनंद अथेरिया जी इन्होंने भी कहा कि उनकी कंपनी ऐसे सॉल्यूशन को प्रोवाइड करती है जो कॉस्ट और एनर्जी जो बिट के रूप में होती है उसको ड्रास्टिकली लोअर कर देती है सो दैट ए फोर जी फाइव जी का जब पूरा रोल आउट होता है तो उसके लिए जो डेटा ट्रांसफर वगैरह है टेक्निकल थोड़ी सी टर्म का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हुए दोनों ही सी टी ओ सी ओ जो है वो नजर आए और तेजस अपने यहाँ पर उनके कुछ इनहाउस बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे टीजे फोर्टीन हंड्रेड टीजे सिक्सटीन हंड्रेड पैकेट एंड ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट तो ये पूरा यहाँ पर ही वोडा आइडिया को सपोर्ट कर रहा है अब यहाँ से एक बड़ा ही गहन प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यहाँ से वोडा आइडिया टर्न अराउंड करेगा क्योंकि अगर तेजस की बात करें तो तेजस को अगर आप चार्ट पर देखें अगर मैं यहाँ पर एक बार ज़रा आप तेजस को लगाने की कोशिश करता हूँ पहले पहले एक बार वोडा आइडिया को लगा लेते हैं तो वोडा आइडिया से थोड़ा समझ में आएगा कि उनको टर्न अराउंड की ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि एक ही रेंज से लगातार स्टॉक फिसल रहा है तो क्या इस न्यूज़ के आने के बाद अगर उनको ये टैक पार्टनर मिल जाता है तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा अथवा नहीं होगा तो ये पूरा न्यूज़ अभी देखो ये ऐसी बहुत सारी इस प्रकार की तमाम न्यूज ना मैं कहाँ पर ट्रैक करता हूँ तो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ एम एस स्टॉक यहाँ पर मुझे ऐसे लाइव मार्केट में बहुत सारी न्यूज देखने को मिलती है जिसमें अगर किसी स्टॉक के संदर्भ में कोई न्यूज़ आ रही है तो वो देख लेता हूँ और उसके साथ यहाँ पर देखिए अगर मुझे कुछ इवेंट की भी अगर न्यूज़ देखना है जिसमें आज कौन से इवेंट हैं कल कौन से इवेंट होने वाले हैं तो ऐसे लाइव अपडेट ना मुझे एक ही जगह पर देखने को मिल जाते हैं तमाम उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर एक ही सिंगल स्क्रीन पर अपनी बॉसलेस वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड सब में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो ये प्लेटफॉर्म इसका मैं व्यक्तिगत रूप से जो है उपयोग करता हूँ अब इस प्लेटफॉर्म के विषय में अगर थोड़ी सी बात करें तो देखिए मिराई एसेट इनकी की पेरेंट कंपनी है म्यूचुअल फंड के रूप में इंडिया में काम करती है ग्लोबली एक्सपेंड कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी अच्छे से कंपनी ने ग्रो किया है पूरा ये ग्रोथ चार्ट आपको 2016 से 2022 2024 तक आपको देखने को मिल जाएगा और अब ये कंपनी ना मतलब पिछले दो सालों में बहुत लोगों का ब्रोकरेज वगैरह सेव कर चुकी है तो ब्रोकरेज के साथ ये एम फैसिलिटी भी लोगों को ऑफर करते हैं जहां पर जो ये आपको किसी स्टॉक को अगर परचेज करना और आपके पास सपोज अगर पूरा फंड नहीं है तो आप इस एम फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हो जो कि बहुत ही किफायती इंटरेस्ट दरों से इनकी एम जो फैसिलिटी है वो चालू होती है दो प्लान है बेसिकली एक नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ का है पेड प्लान है जिसमें अक्रॉस द प्रोडक्ट आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा फ्री प्लेटफॉर्म अगर फ्री अगर आप जो इनका ऑफर है अगर उसको ऑप्ट करते हैं तो डिलीवरी म्यूचुअल फंड आईपीओ फ्री है अदरवाइज ट्वेंटी रुपीज़ का दूसरे सेगमेंट पे फ्लैट ब्रोकरेज लगता है और इसके अलावा एक नाइन हंड नाइन्टी नाइन रुपीज़ अगर और पे करते हैं तो आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको नहीं लगता है तो अपना स्वा से अध्ययन करिए अगर टेस्ट एंड ट्राई करना चाहें तो इस प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लेकिन उसके पहले आपके जो भी अधिकृत वित्तीय सलाहकार हैं उनसे आप राय शुमारी कर लें और इस कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ भी एक बार थोड़ी विश्वसनीय जो टॉक है वो कर लें कि ये प्लेटफॉर्म आपको सूट करेगा अथवा नहीं करेगा अभी तक कि मैं तेजस की अगर बात करूँ ना दोनों ही कंपनी को देखो जैसे मैं यहाँ पर अगर तेजस को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ वोडा आइडिया के साथ वैसे ये दोनों एक जैसी कंपनियाँ नहीं है तो हमको कंपेयर करना नहीं चाहिए लेकिन दोनों ही कंपनियों में अभी अगर आप देखो ना तो इनको क्या चुनौती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर वोडा आइडिया में तो खैर नेगेटिव है वहां तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है तेजस में भी नंबर थ्री पॉइंट सिक्स एट के आसपास है तो यहां से ग्रोथ आएगी नहीं आएगी इस पॉइंट को अगर हम समझें उसके बाद यहाँ पर आर रिटर्न ऑन इक्विटी पर भी दोनों ही कंपनियां अभी निराशा सी मतलब निराश सी करती हुई नजर आ रही हैं तो वहां पर भी दोनों कंपनियों को आवश्यकता है नए नए पार्टनर के साथ यहाँ पर टैग करके बिजनेस को करने की प्रमोटर होल्डिंग देखें तो बहुत अच्छे से अभी तक इतने लंबे टाइम में दोनों कंपनियों में बहुत डायलूशन हो चुका है तेजस चूँकि टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है इन हाउस बहुत पैसा है तो उतना अभी इक्विटी डायलूशन नहीं है कंपेयर टू वोटा आइडिया लेकिन वोटा आइडिया तो भी बहुत एकदम डायलूशन बहुत ज्यादा वहां पर हो गया है समय के साथ दोनों ही कंपनियों ने अपने नेट ब्लॉक में बहुत जबरदस्त काम किया बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया है तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपको इन दोनों कंपनियों में देखना चाहिए कि टर्न टर्नराउंड की स्टोरी हमको एक्चुअली में देखने कहां से मिलेगी तो अगर मैं तेजस नेटवर्क पर आऊं तो यहां पर एक फैक्टर आपको दिखाता हूं जो टर्न अराउंड के फेज में आपको किसी कंपनी को बिल्कुल विशेष रूप से देखना चाहिए कि कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो अगर आप पिछले तीन सालों में अगर आप देखेंगे तो तेजस ने सिक्सटी से अपनी सेल्स को इंप्रूव किया जो ये बात बताता है चाहे वो बी एस एन एल एम टी एन वाली टर्न अराउंड की स्टोरी हो या इस प्रकार की जो कंपनियाँ वोडा आइडिया ने यहाँ पर आप ये कॉलो करार किया है तो ये पार्टनरशिप तो नई नई बिल्डअप करते जा रहे हैं और उसके साथ प्रॉफिट भी नंबर यहाँ पर आ रहा है बुक पर आ रहा है और अगर ट्रेलिंग ट्वेल्थ मंथ में देखें पिछले बारह महीनों में जो प्रयास हुए हैं तो वो तो बहुत ही तारीफ योग्य रहे हैं, क्योंकि फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर फोर्ट फोर हंड्रेड एंड फोर्टी वन परसेंट सेल्स ग्रोथ कर ली है और साथ में लगभग लगभग आठ सौ परसेंट से प्रॉफिट को ग्रो किया है लेकिन अगर वही स्थिति हम वोडा आइडिया में देखने को जाएं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वोडा आइडिया में अभी कार्य चल ही रहा है कार्य अभी प्रगति पर है कार्य अभी गति में है वो अभी कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है तो ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ में सेल्स तो कुछ इंप्रूव है नहीं वो सेचुरेशन है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के फेस पर भी कंपनी जो है वो निराशी कर रही है और प्रॉफिट भी कुछ आ नहीं रहा है पिछले तीन सालों में भी देखेंगे तो कमोवेश प्रॉफिट में बल्कि घाटा डेंट ही लगा है तो अगर टर्न अराउंड के फेज मतलब क्रक्स पॉइंटर क्या है कि अगर कोई आप न्यूज पढ़ते हो कि कोई दो कंपनियां अगर कॉलो करार कर रही हैं तो कुछ और देखो ना देखो सबसे पहले तो ये देखो कि टॉप लाइन रेवेन्यू और बॉटम लाइन का जो प्रॉफिट है वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर वहां पर इंप्रूवमेंट है तो फिर बाकी की कहानी को देखने के लिए जाना चाहिए तो चश्मे से अगर मैं अपनी पर्सनल अध्ययन के आधार पर यह कि लेकिन तेजस से मुझे उम्मीद निकल कर आई है इस न्यूज के आधार पर न्यूज के सेक्शन पर जो न्यूज देखने को मिली थी उस न्यूज के आधार पर मैंने अपना क्या व्यू पॉइंट बनाया इस पॉइंटर को आप समझे होंगे और उसका उपयोग आप भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई न्यूज आपको देखने को मिलती है तो आपके व्यू पॉइंट को बनाने में यह अध्ययन का बिंदु आपको मदद कर सकेगा तो उतने ही परिप्रेक्ष्य इस वीडियो को स्वीकार करिए इस वीडियो में जो भी स्टॉक के विषय में हमने आपसे बात करी है वो केवल इस पॉइंटर को समझाने के लिए चूँकि करंट एक अफेयर करंट अफेयर में एक न्यूज चल रही है तो वो न्यूज एक सहारा बनती है कि ये पॉइंटर में आपको उस न्यूज का बेस बनाकर समझा सकूं तो उसको केवल एग्जाम्पल के रूप में समझिए निवेश संबंधी कोई भी निर्णय मत लीजिए और इस प्लेटफॉर्म को अगर आप टेस्ट एंड ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पहले बहुत अच्छे से अपना अध्ययन करिए कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात करिए जोखिम को समझिए उसके बाद जाकर कोई डिसीजन मेकिंग करिए तो अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। रखिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल बहुत बहुत धन्यवाद रिस्क रीड बिफोर इन्वेस्टिंग